हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म RNCC नर्सिंग कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा GK GS और कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQs हम यहाँ पे देखेंगे। जरा उसमें GK GS के MCQs अपने यहाँ पे रहेंगे, जनरल स्टडीज़ के बारे में अपन देखेंगे। और जो ये MCQs अपने रहेंगे वो अपने जो RRB के रिसेंट एग्जाम्स के MCQ रहने वाले हैं सारे के सारे। तो चांसेस है कि उनका कुछ रिपीट MCQs आपको अगर एग्जाम में देखने को मिले तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात रहेगी यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। MCQ है अपना, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो RRB के लिए जो हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं MCQs वगैरह का, तो देखो इसके लिए इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए न्यूज़ है। तो RRB स्पेशल क्रैश कोर्स जो है हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर रखा है, ठीक है, जिसमें क्रैश कोर्स के रूप में आपको जो है यहाँ पे रहेगा क्रैश कोर्स रहेगा। इसके अंदर आपको 400 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डेली का जो है आपका यहाँ पे जो है एक जो वीडियो जो लाइव रहेगा इसके अंदर और रिकॉर्डेड भी रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐप के ऊपर ये सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है, RRB स्पेशल क्रैश कोर्स है जिसमें आपको क्रैश कोर्स में वीडियोज़ वगैरह वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा इसमें 120 स्पेशल टेस्ट सीरीज का जो प्लान है वो इसी के अंदर क्या है इंक्लूड है। तो इन सब के लिए क्या करना है आपको, जस्ट अपनी ऐप को जो है RNCC नाम से आप जब सर्च करोगे प्ले स्टोर पर तो आपको वहाँ पर अपनी ऐप मिल जाएगी। तो वहाँ से जो आप इस क्रेस कोर्स को जो है एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बाकी कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको अगर इसके लिए चाहिए तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर को कॉल और मैसेज कर सकते हो, 24/7 आप कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये है अपना RRB स्पेशल डेली लाइव टेस्ट सीरीज प्लान। तो वहाँ पे तो अभी पहले मैंने समझाया वो था क्रेस कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी उसमें। और ये जो है यहाँ पे क्या है, देखो RRB स्पेशल डेली लाइव टेस्ट सीरीज प्लान, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मिलेगा, टोटल आपको 120 आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना ये कैसा रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। इसके अंदर जो है 70 तो आपको जो है नर्सिंग के आपको MCQs देखने को मिलेंगे। इसके बाद में 10 प्लस 10 प्लस 10 करके आपको नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे MCQ मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। टोटल इसके अंदर कितने हैं, 80 मॉडल टेस्ट है। इसके बाद में 40 यहाँ पे जो है सब्जेक्ट और टॉपिक बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस टेस्ट के अंदर जैसे सपोज आप आज एनरोल कर रहे हो तो इसके अंदर जो पहले के जो टेस्ट है वो आप यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आप दे सकते हो, सेव्ड आपके टेस्ट में मिल जाएंगे वो सब, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो अभी आज यहाँ से ज्वाइन कर रहे हो तो आज के बाद के टेस्ट आप यहाँ पे दे पाओगे, ऐसा नहीं है। जो प्रीवियस टेस्ट है वो भी आप आराम से दे पाओगे, तो वो भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टेस्ट की इन टेस्ट सीरीज की वजह से। तो आप ज़रूर इनको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। MCQ है अपना, हु विल प्रिसाइड अवर द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को इन द ईयर 2024। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। MCQ है आपका, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, हु विल प्रिसाइड अवर द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को इन द ईयर 2024, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो देखिए यहां पे अपना जो राइट आंसर जो रहेगा वो है इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। तो ये जो है कहाँ पे इसका जो है सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, इंडिया ने की थी 2024 में। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को की जो है फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
ये क्या रहती है, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट ये ध्यान रखिए, यूनेस्को को यहाँ पे कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये भी ध्यान रख लीजिए, आ जाए एग्जाम में तो 16 नवंबर 1945 को जो है इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसके मेंबर्स कितने हैं यूनेस्को के, तो कितने मेंबर्स होते हैं, 195 इसके मेंबर्स हैं। एंड एसोसिएट मेंबर्स कितने हैं, वो हैं 8, ठीक है, 8 इनके क्या है एसोसिएट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू यूनेस्को से पूछते हैं इसके हेड क्वार्टर के बारे में, इसका हेड क्वार्टर कहां पे है, तो पेरिस में। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन इज द पराक्रम दिवस ऑब्जर्व एवरी ईयर, ठीक है, तो पराक्रम दिवस को जो है एवरी ईयर जो है कब जो है ऑब्जर्व किया जाता है, 22 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी और 25 जनवरी, क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे। हर वर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 22, 21, 23 या फिर 25 ऑफ जनवरी। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर जो अपने यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 23rd ऑफ जनवरी को यहाँ पे क्या होता है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को ही हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन किसका बर्थडेट है, ये आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर ये जो है आपका पराक्रम दिवस जो है मनाया जाता है, जो कि कब होता है 23rd ऑफ जनवरी। नेक्स्ट यहीं से एमसीक्यू पूछ ले कि कौन सी भी जयंती से ये जो है पराक्रम दिवस यहाँ पे मनाया गया था, तो 125वीं जो जयंती थी, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उससे जो है 2021 से क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पराक्रम दिवस, जो कि 23rd ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को हम किस नेम से जानते हैं, नेताजी, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब के इनके कुछ फेमस डायलॉग भी हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ठीक है, ये सब। इन्होंने जो है दो पार्टीज़ को जो है इन्होंने बनाया था, एक जो इनकी फौज थी उस फौज का क्या नाम है, आज़ाद हिंद फौज, और दूसरा जो है वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इन्होंने जो है दो पार्टीज बनाई थी, आजाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके अलावा इनकी जो जन्म दिवस के ऊपर ही हम क्या करते हैं पराक्रम दिवस मनाते हैं। इसके अलावा एक और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डे है जो स्वामी विवेकानंद जी से लिंक्ड है, तो वो आपको पूछ सकते हैं, नेशनल यूथ डे, ठीक है, नेशनल यूथ डे, ये कब सेलिब्रेशन किया जाता है इसका, तो ये ध्यान रखिए, ये भी होता है जनवरी में, तो 12th ऑफ जनवरी को जो है एवरी ईयर 12th ऑफ जनवरी को नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेशन करते हैं। और ये जो है इसमें जो है किसका यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी है, यहाँ पे किसका बर्थ एनिवर्सरी रहता है, तो स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, तो ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं, स्वामी विवेकानंद का। और पराक्रम दिवस, नेशनल पराक्रम दिवस, ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और नेशनल यूथ डे या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, दोनों सेम ही है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, वेर इज द रिसेंटली डिस्कस्ड जनरल बिपिन रावत स्टेडियम लोकेटेड, हाल ही में चर्चित जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर।
तो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? हाल ही में चर्चित जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लिखिए जनरल बिपिन रावत जो है, जो जनरल बिपिन रावत जी जो है वो कौन थे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है कौन थे? फर्स्ट सीडीएस, ठीक है, फर्स्ट सीडीएस थे। सीडीएस का क्या फुल फॉर्म होता है? तो देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, ये जो है सबसे पहले, ठीक है, ये जो क्या है, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। कब बने थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो ध्यान रखना 2020 में जो है सीडीएस बने थे, ठीक है। उनके बाद में जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर क्या हो गई थी, ये जो है उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द रिसेंटली डिस्कस्ड जनरल बिपिन रावत स्टेडियम? तो ये कहाँ स्थित है? आंसर आपका क्या करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो अब यहाँ से क्या एमसीक्यू बनता है कि इसको जो है जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा स्टेडियम था जिसको बिपिन रावत स्टेडियम जो है यहाँ पे के लिए जो है डिस्कस किया जा रहा था, चर्चा में था। तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो पहला स्टेडियम था वो, इसका नाम क्या था? बारामुल्ला स्टेडियम। और इस बारामुल्ला स्टेडियम को ही बाद में क्या नाम दे दिया गया? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, ठीक है। ये दो तीन एमसीक्यू इसके बाद में। नेक्स्ट एमसीक्यू, किसने ये जो है नाम को जो है यहाँ पे चेंज किया था? तो ये चेंज किया था जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे रिसेंट में, कौन? मनोज सिन्हा। उन्होंने जो है 26 जनवरी को जो है उन्होंने ये जो है बारामूला स्टेडियम का नाम जो है किसमें कन्वर्ट कर दिया? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फैथोमीटर से जो है हम यहाँ पे किसका मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फैथोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? अर्थक्वेक को, रेनफॉल को, ओशन डेप्थ को, या फिर साउंड इंटेंसिटी को। एक मीटर है जिसका नाम क्या है? फैथोमीटर। तो उसके उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? अर्थक्वेक, रेनफॉल, ओशन डेप्थ, या फिर साउंड इंटेंसिटी। तो देखिए फेकोमीटर क्या है? एक प्रकार से इको साउंडिंग सिस्टम है ये। तो इसके अंदर क्या होता है कि साउंड वेव क्या करती है? ट्रेवल करती है, ठीक है, और ये जो मेजरमेंट को असेस करता है। तो किसका यहाँ पे मेजरमेंट असेस कर सकते हैं? तो आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा वो है ओशन डेप्थ, ठीक है। तो महासागर की गहराई को जो है इससे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो इसको जो है सरफेस के ऊपर इस साउंड वेव को यहाँ पे जनरेट करते हैं, फिर कहाँ तक, कितना अंदर तक जो है साउंड वेव जाती है, ठीक है, उसे हम यहाँ पे क्या मेजर करते हैं? ओशन डेप्थ। नेक्स्ट देखिए अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट होता है? सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ किसको मेजर करता है? तो अर्थक्वेक को। नेक्स्ट रेनफॉल को मेजर करने के लिए क्या है? रेनगोज। नेक्स्ट साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए आपके पास में क्या है? साउंड मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू, वेयर इज द डीजल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड? तो डीजल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्स जो है कहाँ पे होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर कहाँ पे होते हैं, ठीक है, जो डीजल से बनने वाले जो इंजन है वो मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं? बेंगलोर, वाराणसी,
पेराम्बर या फिर हुबली। डीजल लोकोमोटिव्स जो है, डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ किया गया है? राइट आंसर जो अपने यहाँ पे रहेगा वो रहेगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा करेक्ट आंसर। तो वाराणसी के अंदर जो है डीजल इंजन्स का यहाँ पे क्या करते हैं, निर्माण होता है, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, वेयर हैज पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कंट्रीज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु। तो अटल सेतु को जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? लक्षद्वीप, गोवा, महाराष्ट्र या फिर केरला। पीएम मोदी ने हाल ही में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? लक्षद्वीप, गोवा, महाराष्ट्र या फिर केरला। तो देखो ये जो यहाँ पे अटल सेतु है इसे हम और किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर शॉर्ट के अंदर कह दो तो MTHL। तो इसका उद्घाटन जो है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे किया था, ठीक है। इसको आधिकारिक तौर से हम यहाँ पे अटल सेतु भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसका पूरा नाम क्या है, अटल सेतु नावा सेवा सी लिंक, ये क्या है इसका फुल नेम है। तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को अगर ऐसा कुछ भी एग्जाम में आ जाता है। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 21.8 किलोमीटर अप्रोक्स, अपन माने तो 22 किलोमीटर की क्या है इसकी लेंथ है। तो इंडिया का यहाँ पे लॉन्गेस्ट ब्रिज इसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, और जो कि एक समुद्र के ऊपर जो है बनाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ से क्या हमसे क्यों पूछ सकते हैं कि ये जो है अपन लिख सकते हैं इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो सी के ऊपर ये कितना इसकी जो लंबाई है जो बनाई गई है वो है 16.5 किलोमीटर, एंड लैंड के ऊपर जो है कितना ये बनाया हुआ है तो वो है 5.5 किलोमीटर, जो है किसके ऊपर है, लैंड के ऊपर। और इसका जो नाम है अटल सेतु मतलब वो किसके ऊपर रखा गया है, जो पहले इससे पहले अपने जो पीएम पुराने टाइम में जो पीएम थे कौन, श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, उनके नाम पे ऊपर ये बनाया गया है। तो इनके नाम पर ये इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ये है जो स्टार्ट कहाँ से होता है, ये एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि रिसेंट एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू, हो सकता है वापस से रिपीट हो जाए। स्टार्ट कहाँ से किया गया था, तो सेवरी से, जो कि कहाँ पे, मुंबई में। तो मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है एंड कहाँ पे होता है, तो ये एंड होता है रायगढ़ जिले में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जगह का नाम अगर ध्यान रखें तो उरन, ठीक है, जो कि क्या है, तालुका है। तो यहाँ पे यहाँ तक ये लंबाई है, तो इसके बीच में जो है एक यहाँ पे अपन सी ब्रिज अपना जो है बनाया गया है जिसका नाम क्या है, अटल सेतु या फिर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। नेक्स्ट देखिए इसकी जो फंडिंग है, ठीक है, फाइनेंशियल इसको यहाँ पे किसने इसको जो है जो फाइनेंस दिया था इसको बनाने के लिए, तो एक जापान की कंपनी है, जापान। इंटरनेशनल कॉरपोरेट्स एजेंसी ने क्या कॉरपोरेशन एजेंसी ने क्या कहता है इसको बनाया था, तो इसके जो 80% इसका जो भी टोटल कॉस्ट आई थी उन्होंने दी थी, और बाकी की 20% जो स्टेट एंड सेंट्रल अपनी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है इसको यहाँ पे दिया था। तो जो ये परियोजना थी, ठीक है, जो ये ब्रिज की बनाने की जो परियोजना थी इसके जो 80% कॉस्ट कवर किसने की है, इस कंपनी ने, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी ने, GICA।
तो ये तो अभी रिसेंट के अंदर एमसीक्यू है, इससे पहले आप बता दीजिए कि भाई इंडिया के अंदर जो अटल सेतु से पहले ऐसा कौन सा ब्रिज था जो लॉन्गेस्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता था, तो इससे पहले अगर पता हो तो वो कहाँ पे बनाया हुआ था, असम में, कौन सी रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो है एक ब्रिज बनाया गया था जो 9.15 किलोमीटर अप्रोक्स इसकी क्या था लेंथ था। तो अटल सेतु से पहले ये जो है आपका ब्रिज है इसकी यहाँ पे लेंथ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा थी। और इसका नाम क्या है, डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज। तो ये था इससे पहले सबसे लॉन्गेस्ट, और अभी अपना सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, अटल सेतु। नेक्स्ट एमसीक्यू, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर लॉन्च। ठीक है, इंडिया का जो है सबसे पहला आपका हरित रेल गलियारा कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर लॉन्च, भारत का पहला हरित रेल गलियारा कहाँ स्थित किया गया है, क्या आंसर रहेगा अपना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पे अपना आंसर जो है वो क्या होगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु को यहाँ पे जो इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे या फिर पश्चिम रेलवे, नॉर्दर्न, सेंट्रल, साउदर्न या फिर वेस्टर्न रेलवे। तो ये तो अभी आप सबने जो एग्जाम के फॉर्म वगैरह भरे होंगे तो इन सब के अकॉर्डिंगली भरे होंगे। विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया, नॉर्दर्न, सेंट्रल, साउदर्न या फिर वेस्टर्न। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नॉर्दर्न रेलवे। तो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट रेलवे जोन कौन सा है, नॉर्दर्न रेलवे। और आपको पूछे नॉर्दर्न रेलवे का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है दिल्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू, द राम टेम्पल बिल्ट इन अयोध्या इज बिल्ट इन विच आर्किटेक्चर, नागरा स्टाइल, द्रविड़ियन स्टाइल, पंचायत स्टाइल या फिर वेसर स्टाइल। अयोध्या में बनने वाला जो राम मंदिर है वो किस वास्तुकला से बना है, नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, पंचायत स्टाइल या फिर वेसर शैली। स्टाइल का मतलब शैली, ठीक है, नागर शैली, द्रविड़ियन शैली, पंचायत शैली या फिर वेसर शैली। ये एमसीक्यू एग्जाम में पूछा हुआ भी अभी रिसेंट रेलवे के एग्जाम्स में। तो देखिए राइट आंसर अपना जो है यहाँ पे वो है नागर शैली। तो ज़्यादातर जो है आपके उत्तर भारत के अंदर जो भी आपके टेम्पल्स आप देखोगे तो वो ज़्यादातर आपके जो है नागर शैली के अंदर ही जो है बने हुए हैं। ठीक है, उनको आर्किटेक्ट जो है नागर शैली के अंदर ही यहाँ पे क्या किया गया है, नागर स्टाइल के अंदर ही क्या किया गया है, बनाया गया है, बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू,
विच इज़ द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हीराकुंड प्रोजेक्ट, भाकरा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट या फिर टेहरी डैम प्रोजेक्ट? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? हीराकुंड परियोजना, भाकरा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या फिर टेहरी बांध परियोजना? विच इज़ द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो यहाँ पे बनाया गया था कब बनाया गया था? तो 1948 में। और अगर इसकी हम डेट देखें तो 7 जुलाई को जो है इसको यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। क्या नाम है इसका? दामोदर घाटी परियोजना या फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे कौन कौन से जगह पे ये एस्टैब्लिश्ड है तो ये ध्यान रखना। तो ये जो है झारखंड, झारखंड से बिलोंग करती है, ठीक है, मेनली। और उसको जो है कुछ अमाउंट में जो है वेस्ट बंगाल को भी जो है इस परियोजना से उसको भी जो यहाँ पे फायदा मिलता है, उसको भी जो है बेनिफिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखना जो है दामोदर रिवर के पास में बनाई गई है। तो दामोदर रिवर यहाँ पे मेन रिवर क्या है इसके? दामोदर रिवर किसकी सहायक नदियों में से एक है? तो ध्यान में रखना हुगली नदी या फिर हुगली रिवर, जो कि ये नदी जो है आपके पश्चिम बंगाल झारखंड की साइड से जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर में जो है क्या करती है, बहती है, ठीक है। इसका जो है ट्रेवल है वो यहाँ पे जो है वेस्ट से इसके साइड में यहाँ पे क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो झारखंड से वेस्ट बंगाल की साइड में जो है ये प्रोजेक्ट जो है बनाया गया था और ये जो है सबसे पहला फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो आंसर क्या रहेगा आपका? दामोदर घाटी परियोजना। इसके अलावा एक एमसीक्यू रिसेंट में ये भी देखा गया है कि जो दामोदर रिवर है, ठीक है, दामोदर रिवर के यहाँ पे जो है इसको जो है पश्चिमी बंगाल के इलाकों में इसको जो है किस नाम से जानते हैं? बंगाल का शोक। अब बंगाल का शोक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो यहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस नदी की वजह से पश्चिमी बंगाल के रीजन के अंदर, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, वो इस नदी को जो है बंगाल के शोक नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट व्हाट पोजिशन हैज इंडिया गोट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व? 7th, 8th, 9th और 10th। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत को स्वर्ण भंडार के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7th, 8th, 9th और 10th। तो फोर्ब्स आप सभी को पता है एक मैगजीन आती है, उस मैगजीन में यहाँ पे कौन सा रैंक मिला है गोल्ड रिजर्व्स के टर्म्स में? 7th, 8th, 9th और 10th। तो ध्यान में रखना भारत के पास में जो है कितना गोल्ड रिजर्व है, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करें तो कौन सी पोजीशन पे आता है इंडिया? आंसर क्या करेक्ट रहेगा? 7th, ठीक है। तो दुनिया भर के अंदर जो है 7th नंबर पे यहाँ पे इंडिया स्टैंड करता है गोल्ड रिजर्व में। और यहाँ पे इस रैंक में फर्स्ट कौन है? तो यूएसए। हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द कॉलोनल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय बीसीसीआई? रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर, लाला अमरनाथ या फिर बोथ ए एंड बी? हाल ही में बीसीसीआई द्वारा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर, लाला अमरनाथ और ए और बी दोनों, क्या आंसर करेक्ट रहेगा?
तो ये ध्यान रखना, सी के नायडू, ठीक है। सी के नायडू कौन थे, ये जो अपनी इंडियन टीम है उनके सबसे पहले कप्तान कौन थे, सी के नायडू, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब अपना आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा, रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर, लाला अमरनाथ या फिर ऑप्शन ए एंड बी। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, इन दोनों को यहाँ पे जो है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है, ऋषि सुनक, जो बाइडन, अब्दुल फतेह अल सीसी या फिर इमैनुअल मैक्रोन। क्या करेक्ट आंसर रहेगा, तो देखिए राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। तो ये कहाँ पे प्रेसिडेंट है, ये है फ्रांस के, ओके। तो ये जो है अपने रिपब्लिक डे पे 75th अपना जो रिपब्लिक डे है तो उनमें सेलिब्रेशन के ऊपर कौन थे आपके अपने चीफ गेस्ट कौन थे, तो इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है किसके, फ्रांस के। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है, पैंगविन, वेल, रिवर डॉल्फिन या फिर सील। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, पैंगविन, वेल, रिवर डॉल्फिन या फिर सील। नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, राइट आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एक एमसीक्यू है इसी से रिलेटेड, एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो ये आप ध्यान में रखना, एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, पटना में, ठीक है, पटना में ये जो है क्या किया गया, इसको एस्टाब्लिश किया गया है। तो इसको यहाँ पे क्यों एस्टाब्लिश किया गया, कि यहाँ से जो गंगा रिवर के जो डॉल्फिन है, ठीक है, अपनी जो गंगा रिवर है उसके अंदर की जो डॉल्फिन्स है, रिवर जिनको हम क्या बोलते हैं, रिवर डॉल्फिन्स, तो उनको यहाँ पे अच्छे से उनको सेव करने के लिए, ठीक है, उनके अच्छा से ग्रो करवाने के लिए, फिर उनके ऊपर अच्छे से रिसर्च वगैरह करने के लिए ये जो यहाँ पे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है एशिया के अंदर सबसे पहला कहाँ पे है, पटना में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, अपने को क्या रहना है, इसके लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट वैल्यूबल आईटी ब्रांड, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट वैल्यूबल आईटी ब्रांड, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज। कौन सा भारतीय संगठन हाल ही में दुनिया का सबसे दूसरा मूल्यवान आईटी ब्रांड बन गया है, आईटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहां पे आंसर जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है फुल फॉर्म टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी,
सर्विसेज, ठीक है, TCS सबसे बढ़िया IT कंपनी है, सेकंड नंबर पे आती है ऑल वर्ल्ड में। नेक्स्ट MCQ, वेन हैज नेशनल वोटर्स डे 2024 हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 22 जनवरी, 23, 24 या फिर 25? हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी को? तो देखिए, जो नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेशन किया गया था, तो आपका आंसर जो है रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी को अपना जो आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है उससे एक दिन पहले, ठीक है, सेलिब्रेट ये किया जाता है 25 जनवरी। और जो चुनाव आयोग जो है, कौन सा अनुच्छेद है चुनाव आयोग के लिए, तो ध्यान रखना 324। ठीक है, और चुनाव आयोग ने भी रिसेंट के अंदर एक कैंपेन भी स्टार्ट किया गया है, वो है मेरा पहला वोट देश के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो चुनाव आयोग से रिलेटेड एग्जाम में आती रहती है, तो ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस या फिर नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 25 जनवरी को। तो 26 जनवरी को अपना क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, उससे एक दिन पहले जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट MCQ, द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ इंडिया इज, ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, दिल्ली, भटिंडा, मथुरा या फिर इलाहाबाद? लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखिएगा लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन कहाँ पे है, यूपी में, और यूपी में क्या रहता है आपका, मथुरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा अपना, करेक्ट आंसर रहेगा द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ इंडिया इज मथुरा। तो इसको जो है इस तरीके से देखा गया है कि मथुरा जंक्शन को यहाँ पे लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन माना जाता है इंडिया में, प्लेटफॉर्म्स में, रूट्स में और कनेक्टिविटी में। ठीक है, इन तीनों के बेसिस पे यहाँ पे कंसिडर किया गया है, ना कि प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, ऐसी जगह भी है जहाँ पे 10 से भी ज़्यादा यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हावड़ा जंक्शन हो गया, तो वहाँ पर तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे अवेलेबल है, नंबर्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे अवेलेबल है, बट उसकी कनेक्टिविटी मथुरा जितनी अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके जो रूट्स है वो मथुरा जितने अच्छे नहीं है, तो मथुरा में जो जंक्शन जंक्शन है उसका कनेक्टिविटी बेसिस पे, रूट बेसिस के ऊपर और जंक्शन के बेसिस के, तीनों को मिला के जो है उसको लार्जेस्ट जंक्शन ऑफ इंडिया यहाँ पे जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एग्जामिनर ने यही आंसर जो है करेक्ट माना था, मथुरा। नेक्स्ट MCQ, द आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं हमें, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी या फिर रिलीजियस इक्वलिटी? सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता या फिर धार्मिक समानता? आर्टिकल 17, 18 हमें जो है किसकी इक्वलिटी प्रदान करते हैं? तो राइट आंसर जो यहाँ पे रहेगा अपना वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समानता या फिर सोशल इक्वलिटी। तो इसके अंदर जो आर्टिकल जो 17 है, तो आर्टिकल 17 ये बताता है कि भाई किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है,
सभी को सभी जगह के ऊपर आना जाना वगैरह सब यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा। फॉर एग्जांपल पुराने टाइम के अंदर जो मंदिर वगैरह होते थे या फिर जो काफ़ी प्रीशियस जगह होती थी, तो वहाँ पे जो पिछड़ी जाति वगैरह के लोग हैं तो उनको यहाँ पे नहीं जाना दिया जाता था। तो इस आर्टिकल की वजह से उन्हें भी यहाँ पे आने जाने की अनुमति दी गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके अलावा जो आर्टिकल जो 18 है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे उसके अंदर भी यहाँ पे जो उपाधियाँ दी जाती थी पहले के ज़माने में, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है राजा है, ये जो रानी है, ठीक है, ये मतलब उपाधियाँ उन्होंने ख़त्म कर दी थी आर्टिकल 18 से रिलेटेड। मतलब सोशल इक्वलिटी की तरफ ये आर्टिकल हमें आगे बढ़ाते हैं। तो राइट आंसर आपका जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल इक्वलिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रिडक्शन इन पॉवर्टी? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? नीति आयोग की हालिया बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में गरीबी में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो गरीबी में किसमें कमी मिली है, कौन से राज्य में जो सबसे कम गरीबी देखने को मिल रही है, या फिर गरीबी से लोगों को बाहर निकालने में कौन सा राज्य सक्षम रहा है? तो ये रिपोर्ट लेके कौन आता है सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग। नीति आयोग ऐसी रिपोर्ट्स जो है यहाँ पे लेके आता है। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो देखिए क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन से अबोव पॉवर्टी लाइन के अंदर यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है? आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। तो यूपी के अंदर जो है अप्रोक्स 5.5 CR जो पीपल्स को यहाँ पे जो है बीपीएल लाइन से अबोव पॉवर्टी लाइन के अंदर यहाँ पे एस्टाब्लिश किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शन किया है। तो आंसर आपका क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट एमसीक्यू, द सर्वोदया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर विवेकानंदा? सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर विवेकानंद? तो देखो सर्वोदय जो मूवमेंट था उसके अंदर यहाँ पे सर्वोदय का मतलब सर्व उदय, मतलब सबका विकास, ऐसा कुछ यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए जो है आंदोलन शुरू किया गया था। आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट? तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, द सर्वोदय मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई, एंड करेक्ट आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा विनोबा भावे, ठीक है। तो विनोबा भावे ने जो है सर्वोदय आंदोलन को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इनका इसके अंदर जो मेन जो हम कह सकें स्लोगन क्या था इसके अंदर, तो जय जगत, ठीक है, तो जय जगत इनका यहाँ पे मेन स्लोगन था। तो इसके अलावा ये जो था वो था सर्वोदय मूवमेंट। इसके अलावा इन्होंने एक और यहाँ पे आंदोलन किया गया था जिसका क्या नाम है, भूदान आंदोलन, ठीक है। ये दो आंदोलन जो इन्होंने यहाँ पे मेनली किए थे विनोबा भावे ने, सर्वोदय मूवमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच स्टेट्स मधुबनी पेंटिंग हैज गॉट द जीआई टैग? तो जीआई टैग जो है किस राज्य की मधुबनी पेंटिंग को मिला है? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार या फिर तमिलनाडु?
तो देखिए ये जीआई टेक होता क्या है। तो जीआई टेक बस सिंपल सा आपको जानना है, जीआई टेक क्या है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। या फिर इंडिकेशन, ठीक है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो यहाँ पे किसके लिए मिलता है, तो ये किसी भी चीज़ के लिए मिल सकता है। फॉर एग्जांपल किसी कोई थिंग के लिए मिल गया, ठीक है, कोई विषय वस्तु के लिए मिल गया। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विच स्टेट्स मधुबनी पेंटिंग हैज़ गॉट द जीआई टैग। तो कौन सी स्टेट के अंदर मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग का मतलब क्या हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को लेके मिल सकता है, जियोग्राफिकल रीजन को देके मिल सकता है, किसी टाउन को मिल सकता है, किसी कंट्री को मिल सकता है, ठीक है। तो जीआई टैग है ये। तो इससे क्या होता है कि उसका जो डिमांड है, उसका जो वैल्यू है, वो बढ़ जाती है जीआई टैग के बाद में, जीआई टैग मिलने के बाद में, ठीक है। तो आंसर आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, और ये वैल्यू जीआई टैग कितने वर्षों तक दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, 10 ईयर्स तक। तो 10 ईयर्स तक मिनिमम यहाँ पे जो है जीआई टैग जो है दिया जाता है। और करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज नॉन एज पुरुषिनी इन द वैदिक पीरियड। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषिनी के नाम से जाना जाता है, व्यास, चिनाब, रावी या फिर सतलज। अभी एमसीक्यूज में जो आपको करवा रहा हूँ वो रिसेंट एग्जाम के अंदर यहाँ पे पूछे गए हैं आरआरबी की ओर से, तो इसलिए अपने आप में ये एमसीक्यू जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो कौन सी नदी को जो है पुरुषनी के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, रावी, ठीक है। तो रावी यहाँ पे क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा आंसर रहेगा। तो इसके अलावा रावी जो है किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखना 1929 में इसी नदी के पास में कौन सा यहाँ पे अधिवेशन किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन। और रिसेंट में जो है रावी नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान के लिए भी जो है यहाँ पे सप्लाई नहीं किया जा रहा है। और इसी नदी के पास में ही सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वो इसी नदी के पास में जो है स्टार्ट हुई थी। और ये जो नदी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है नेचुरल मेड जो हम कहते हैं बाउंड्री, वो यहाँ पे एस्टाब्लिश करती है। और इसकी जो यहाँ पे कितनी लंबी यहाँ पे लेंथ बनाती है, तो 112 किलोमीटर जो है प्राकृतिक जो है ये बाउंड्री का यहाँ पे क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट एमसीक्यू, तो पुरुषनी नदी किसे कहा गया था वैदिक काल के अंदर, तो रावी को। तो एक तो लाहौर अधिवेशन इसी नदी के पास में हुआ था, इसी के रीजन में हुआ था हम कह सकते हैं, और पूर्ण स्वराज की मांग भी इसी के पास में, यहीं पे जो है सबसे पहले मांग उठी थी। नेक्स्ट एमसीक्यू, वॉट इज द साइज ऑफ द न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की नई संसद का आकार क्या है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप या फिर ट्राइंगुलर। ये तो आई थिंक सभी को पता होगा, तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ट्राइंगुलर। तो न्यू पार्लियामेंट जो नई संसद का यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो इन्होंने किसने किया था, तो ध्यान रखना टाटा ग्रुप ने। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023।
मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? चिराग चंद्रशेखर सेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को मिला था, मीराबाई चानू एंड नीरज चोपड़ा को मिला है, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को मिला है, या फिर पीवी सिंधु एंड विनेश फोगाट को ये दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को यहाँ पे दिया गया था, और दोनों ही जो है किससे बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन से, ठीक है। और जो है ये जो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र, एंड रंकी रेड्डी सात्विक साईराज ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों चीज़ें भी आपके ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट है। और जो है इससे पहले मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड को यहाँ पे इससे पहले किस नाम से जानते थे, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम से जानते थे। तो 2021 से जो है इसको यहाँ पे चेंज करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इसको जो है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड यहाँ पे नाम दिया गया था। बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपके क्या है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, अटल सेतु हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस, बेनीहाल पास, नीति पास, शिपकिला पास, या फिर रोहतांग पास। अटल टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस, तो अटल सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे पर किया गया है, बनिहाल दर्रा, नीति दर्रा, शिपकिला दर्रा, या फिर रोहतांग दर्रा। तो अटल सुरंग का जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किसके पास में किया गया है, क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर। लास्ट एमसीक्यू है आज के अपने सेशन का, तो करेक्ट आंसर जो है अपना यहाँ पे रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रोहतांग पास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक बार आगे बढ़ने से पहले ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो क्या है अपना 6 मंथ डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज का प्लान है, जिसमें आपको टोटल 180 टेस्ट मिलेंगे, और ये जो है आपके स्पेशली रहेंगे किसके लिए, नॉसेट एट के लिए। तो नॉसेट एट की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज अपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती आई है, और आगे भी जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो क्यों यहाँ पे हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पे 6 मंथ डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पे ली जाएगी अकॉर्डिंग टू नॉसेट का एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक, काफ़ी आपका अच्छा टू द पॉइंट एमसीक्यूज अपने देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज वगैरह वो सब इसके अंदर हमने इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। तो एज प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है अपनी टेस्ट सीरीज का, तो ये एक उसके लिए अपनी यहाँ पे क्या है टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पे जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करके अपनी जो डेली टेस्ट प्लान है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये जो अपना शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली क्या होंगे यहाँ पे, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं अपन। जो नवंबर के अंदर हमने यहाँ पे शेड्यूल बनाया हुआ है, नवंबर मंथ के अंदर हम क्या क्या टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे देखो 1 नवंबर से क्या स्टार्ट था, ओटी, एनेस्थेसिया, एयरवे मैनेजमेंट। तो देखो जो ये जो हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है, ठीक है, सपोज आप नवंबर मिड में अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो या फिर नवंबर स्टार्टिंग में ज्वाइन कर रहे हो, तो जो पेपर हो चुके हैं वो आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखो प्री नॉट सेट मंडे टू अपना जो यहाँ पे
फ्राइडे जो है आप जो है सिस्टम वाइज अपना यहाँ पे टेस्ट पैटर्न रहता है। इसके अलावा एवरी सैटरडे संडे प्री नोसेट नोसेट एग्जाम नोसेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। खूब सारे बच्चों के अंदर आपको अपनी लाइव रैंकिंग देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब जो पैटर्न है वो आपका यहाँ पे नोसेट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ये जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनको ऑन एनरोल किया हुआ है, तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा प्रॉपर एक्यूरेट कि मैं जो कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ इन सब बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ये था अपने कुछ टेस्ट सीरीज से क्रैश कोर्स से रिलेटेड छोटा सा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन अपने वीडियो क्रैश कोर्स में। तो इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो है आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना यहाँ पे सेशन रखने की कोशिश की है हमने। कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में डिस्कशन किया गया था, तो क्वेश्चन के साथ में जो डिस्कशन भी किया गया है वो भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्वेश्चन। तो हो सकता है डिस्कशन में से आपको यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज मिल जाए एग्जाम के अंदर। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जो कि अगेन जीके जीएस से रिलेटेड अपना आरआरबी से रिलेटेड अपना यहाँ पे पैटर्न पे ही एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, थैंक यू।